यूरोपीय दवा नियामक एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और खून के थक्कों के बीच कनेक्शन मिलने की बात कही है, जिसके बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर झटका लगा है। कई देशों में वैक्सीन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन की संस्था ने वैक्सीन पर किसी भी तरह के प्रतिबंध से इनकार किया है, लेकिन बावजूद इसके ब्लड क्लॉटिंग के साथ लिंक की खबर ने उन लोगों में चिंता बढ़ा दी है जिन्होंने वैक्सीन का डोज ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। यूरोपीय औषधि नियामक संस्थान ने हाल ही में कहा कि इसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और रेयर ब्लड क्लॉटिंग के बीच में लिंक मिला है। हालांकि संस्था की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन से फायदा इतना ज्यादा है कि रेयर ब्लड क्लॉटिंग की घटनाओं की अपेक्षा की जा सकती है। फिलहाल यूरोपीय यूनियन की संस्था ने वैक्सीन पर किसी तरह के प्रतिबंध से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद ब्लड क्लॉटिंग के साथ लिंक की खबर ने उन करोड़ों लोगों में चिंता बढ़ा दी है जिन्होंने कम से कम वैक्सीन एक डोज भी ली है। बता दें कि अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के मुकाबले रखरखाव में आसान होने की वजह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को दुनिया भर में प्राथमिकता दी जा रही थी। हालांकि फाइजर की वैक्सीन के 95% एफिकेसी रेट के समक्ष एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का एफिकेसी रेट 89% ही है। ब्लड क्लॉटिंग की खबरों के बाद कई यूरोपीय देशों में इस वैक्सीन से वैक्सीनेशन रोकने की खबरें आईं। दक्षिण कोरिया और फिलीपींस ने भी अपने यहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का वैक्सीनेशन रोक दिया। आखिर क्या है ये रेयर ब्लड क्लॉटिंग, आइए समझते हैं। इस रेयर ब्लड क्लॉटिंग का नाम सेलेबल वेनस साइनस थ्रोबोसिस है। इस रेयर ब्लड क्लॉटिंग को पहली बार जर्मनी के मेडिकल रेगुलेटर इंस्टीट्यूट ने पकड़ा। मार्च में इंस्टीट्यूट ने बताया कि ब्लड क्लॉटिंग के मामले अधिकतर युवा और मध्य उम्र की महिलाओं में सामने आ रहे हैं। इसी के बाद जर्मनी ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के लोगों में बंद कर दिया। जर्मनी के फैसले के बाद कनाडा, स्पेन, फ्रांस और इटली ने कदम उठाए। वैक्सीन लेने के बाद लोगों में रेयर ब्लड क्लॉटिंग की शिकायतें मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ 50 से कम उम्र के लोगों को फाइजर वैक्सीन लगाने की सलाह दी। वहीं नीदरलैंड्स ने अपने यहाँ 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों का एस्ट्राजेनेका से वैक्सीनेशन पूरी तरह सस्पेंड कर दिया। दरअसल वहां पर इससे पहले एक महिला की जान गई थी। इसके बाद वैक्सीनेशन के 10,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू किया था। इस दौरान बच्चों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डोज दी जा रही थी। ये ट्रायल 6 से 17 साल आयु वर्ग के 300 बच्चों पर किया जा रहा था, लेकिन वैक्सीन लगवाने वालों में खून के थक्के बनने के खबरों के बाद इस ट्रायल को रोक दिया गया। वहीं यूरोप में 4 अप्रैल तक 3.4 करोड़ वैक्सीन लाभार्थियों में से रेयर ब्लड क्लॉटिंग के 222 मामले सामने आए। 22 मार्च तक इस ब्लड क्लॉटिंग की वजह से 18 लोगों की जान चली गई। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने 30 साल से कम उम्र के लोगों के लिए दूसरी वैक्सीन की व्यवस्था की बात कही। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो यहाँ फिलहाल सभी गंभीर मामलों पर निगाह रखी जा रही है। भारत में भी इससे संबंधित रिपोर्ट्स इस सप्ताह तक आने की उम्मीद है। इसके बाद भारत सरकार भी इस वैक्सीन को लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है। बता दें कि मार्च में इटली समेत कई देशों की सरकारों ने एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण को बैन किया था। वैक्सीन का इस्तेमाल रोके जाने के बाद यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने साफ किया कि इसके फायदे खतरे से ज्यादा हैं और इसे इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसके बावजूद इसके कई देशों ने लोगों के स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए इस वैक्सीनेशन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।